प्रिय विद्यार्थियों, 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 हिंदी पार्ट 12 नींव का पत्थर के प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, एक एक करके सभी नींव के पत्थर बन गए, पंक्ति में रेखांकित मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो नींव का पत्थर का मतलब है, अर्थ है आधार या स्वरूप। प्रश्न नंबर 2, लक्ष्मीबाई की सहेलियों के नाम क्या है? तो उनके नाम है जूही और मुंदर। प्रश्न नंबर 3, जूही के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो हंसना जूही के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता थी। प्रश्न नंबर 4, सूर्य का तेज अनंत सूर्य में विलीन हो गया, पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करके लिखिए। तो इसका उत्तर है, सूर्य के अंतिम तेज के स्वयं चुगने वाली वीरांगना लक्ष्मीबाई उस सूर्य के तेज में विलीन हो गई। प्रश्न नंबर 5, रानी लक्ष्मीबाई के चरित्र की कोई 4 विशेषताएं पाठ के आधार पर लिखिए। तो इसका उत्तर है, रानी लक्ष्मीबाई के चरित्र की कोई 4 विशेषताएं हैं, निडर, दृढ़ निश्चय की भावना, मातृभूमि के प्रति प्रेम और जनसेवा। प्रश्न नंबर 6, स्वराज्य शब्द का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए। पहला वाक्य है, स्वराज्य हमारा अधिकार है। दूसरा, स्वराज को हम हाथ से नहीं जाने देंगे। और तीसरा है, हम स्वराज लेकर ही रहेंगे। प्रश्न नंबर 7, 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के विषय में पाठ के आधार पर लिखिए। इसका उत्तर है, 1857 का संग्राम ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी और अहम घटना थी। इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से हुई, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गई। जैसे जैसे ब्रिटिश शासन का भारत पर प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे भारतीय जनता के बीच ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष फैलता गया। प्रश्न नंबर 8, फिरंगी का बिगुल बज उठा तो लक्ष्मीबाई की सेना का स्वघोष क्या था? यह स्वघोष था, हर हर महादेव। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित शब्दों के समास विग्रह करते हुए समास के नाम लिखिए। देश का भक्त, तत्पुरुष समास, पेड़ पौधे, अव्ययी भाव समास, रण के लिए भूमि, तत्पुरुष समास और वीर है जो बाला, कर्मधारय समास। प्रश्न नंबर 10, लक्ष्मीबाई के अलावा अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में लिखिए। यह है तात्या टोपे। तात्या टोपे भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के एक प्रमुख सेना नायक थे। 1857 के महान विद्रोह में उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण, प्रेरणादायक और बेजोड़ थी। श्रीमंत रघुनाथ राव बल्लाल मराठा साम्राज्य के पेशकार थे। मराठों के उदय में योगदान में रघुनाथ राव की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। रघुनाथ राव ने उत्तर भारत में मराठों के प्रभाव को बढ़ाने में काफी बड़ी भूमिका निभाई। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।